Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका जिस कैटेगरी में फॉल करेगा इसको हम कह सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर्स उस कैटेगरी में फॉल कर सकता है या फिर अगर ब्रॉड कैटेगरीज की हम सोचें दैट कैन बी आपका इंटरनेशनल अफेयर्स राइट. बहुत ही अमेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ कॉल्ड बिम्स्टेक राइट. इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगी. इट स्टैंड्स फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, ये मैं इसलिए इस चीज़ को पर्टिकुलरली हाईलाइट कर रहा हूँ बिकॉज ये ना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस केस में. तो ये क्या है कि इट कैन नाउ एक्सेप्ट न्यू मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स. दिस फॉलोज आफ्टर द फर्स्ट चार्टर ऑफ बिम्स्टेक केम इनटू फोर्स ऑन मे 20. बहुत रिसेंटली है राइट. और इन्होंने क्या किया है कि अब आप नए मेंबर्स बिम्स्टेक के अंदर जो है फॉर्म कर सकते हो. मैंने क्यों कहा था कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इम्पॉर्टेंट है या कैसे है इज़ बिकॉज कि अगर आप इसकी मेंबरशिप देखोगे राइट, दीज आर दी मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक. ठीक है, आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, देन वी हैव थाईलैंड और साथ में श्रीलंका. अगर हम बात करते हैं कि क्या ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम कहेंगे कि नहीं, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. क्यों? बिकॉज यहां तक जो आपकी कंट्रीज पड़ती हैं बच्चे दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आपका साउथ एशिया. और यहां पे जो ये एक थाईलैंड आपको कंट्री देखने को मिलती है जो कि इसका पार्ट है दैट फॉल्स थाईलैंड और म्यांमार दैट फॉल्स अंडर द पार्ट ऑफ योर साउथ ईस्ट एशिया राइट. सो साउथ एशिया प्लस आपका साउथ ईस्ट एशिया के जो मेंबर्स हैं वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है. दैट मीन्स कि हमारे पास में बिम्स्टेक के थ्रू, और बिम्स्टेक के अंदर हमारा बोलबाला है ही राइट, और बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो कि सब्सटैंशियली डिपेंडेंट है कंट्रीज, उनकी ग्रुपिंग है ये बेसिकली राइट. तो अगर हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे बिम्स्टेक के अंदर इंडिया का बोलबाला है, यहाँ से आपको एशियान के अंदर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस उसके अंदर जो है आपको एक जो है डायरेक्ट एंट्री मिलती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. और क्योंकि इसकी जो अब वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी जस्ट बाय द फैक्ट क्योंकि ये अब एक लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस एक्वायर कर चुकी है, मतलब कि अब ये अपने डिसीजंस लेगी और साथ में नए मेंबर्स अपने साथ में इस एंटिटी के साथ में जो है वो जोड़ेगी. ये आपके साथ में एक ये प्री का सवाल भी बच्चे बनता है यहाँ पे, ये दिस पर्टिकुलर थिंग ये प्रीलिम्स का भी है दैट बिम्स्टेक एक लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस अचीव कर चुकी है थ्रू द चार्टर, द रीसेंट चार्टर राइट. अब क्या होगा, लीगल पर्सनैलिटी का क्या मतलब है कि इट नाउ हैज सम राइट्स एंड सम ड्यूटीज इन द लॉज. मतलब बेसिकली अब ये एक मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज़ जो है वो बन जाएगी राइट. और इसकी इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में आपको और ज़्यादा देखने को भी मिलेगी राइट. आगे चलते हैं बच्चे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते होगा कि ये 7 मेंबर्स हैं. इसमें बिम्स्टेक के अंदर फर्स्ट साइन द चार्टर इन 2022 एट द 5th बिम्स्टेक समिट राइट. ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी पुरानी है बट इसका फर्स्ट चार्टर आपको बहुत रिसेंटली साइन हुआ है राइट. हाउएवर इट कुड कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर एवरी कंट्री रेटिफाइड डॉक्यूमेंट जो कि रिसेंटली हुआ, विच फाइनली हैपेंड इन अप्रैल 2024. हैंस आपका मई 2024 से ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लीगल पर्सनैलिटी का फॉर्म ले चुकी है, चार्टर जो है वो फोर्स में आ चुका है. चार्टर में पहले ही न्यू मेंबर्स का आना लिखा हुआ था, अब हम ले सकते हैं राइट. बिम्स्टेक क्या चीज़ है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. एसेंस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कम, ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है जस्ट बिकॉज यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड हमारे साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन में है और ये जो है आपका आगे फर्दर एशियान का पार्ट भी है राइट. वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 विद द साइनिंग ऑफ द बैंकॉक डिक्लेरेशन. ये आपको सीधे सीधा पूछा जा सकता है कि बिम्स्टेक कौन सी डिक्लेरेशन के थ्रू बना था राइट. सो इट इज़ योर बैंकॉक डिक्लेरेशन राइट. मेंबर्स हमने देख लिए हैं, इसके अलावा सिग्निफिकेंस इसकी यही है कि 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और जो जीडीपी है कंबाइंड इसकी दैट इज रफली 3.6 ट्रिलियन राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर अगर आप इसे देखते हैं तो.
आगे देखते हैं बच्चे, द चार्टर गिव्स द इंस्टीट्यूशन अ क्लियर प्रोसेस फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इंक्लूडिंग एडिंग क्राइटेरिया ऑफ ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी और प्राइमरी डिपेंडेंस ऑन बे ऑफ बंगाल फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, राइट। वहाँ पे बहुत सारे पासिस पैसेजेस भी हैं, राइट, ट्रांजिट पैसेजेस बहुत सारे हैं उसमें बे ऑफ बंगाल में, तो डिपेंडेंस ऑन बे ऑफ बंगाल फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस ये कोई ज़्यादा मुश्किल क्राइटेरिया नहीं होने वाला है, राइट। आगे देखते हैं बच्चे, द डॉक्यूमेंट ऑल्सो गिव्स पर्सनैलिटी लीगल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल पर्सनैलिटी एस्टैब्लिशेस न्यू मैकेनिज्म फॉर एडमिटिंग, ये हमने इसमें देख लिया है बच्चे। आगे चलते हैं, जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ बिमस्टेक एंड सार्क, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। सो अभी हुआ क्या था, रिसेंटली जब पाकिस्तान के अंदर आपका सार्क का सबमिट होना था, तो जो इंडिया है उसने कन्विंस कर दिया था कि उरी अटैक की वजह से, देखिए द आइडिया ऑफ बिमस्टेक ऑल्सो गेंड इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंस आफ्टर 2016 उरी अटैक व्हेन इंडिया वॉज एबल टू गेट सार्क नेशंस ऑन इट्स साइड टू बॉयकॉट द ऑर्गेनाइजेशन समिट विच वॉज टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। सार्क एंड बिमस्टेक फोकस ऑन ज्योग्राफिकली ओवरलैपिंग रीजन्स बट दे आर नॉट इक्वल ऑल्टरनेटिव्स। सार्क इज प्योरली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज बिमस्टेक इज इंटर रीजनल एंड कनेक्ट्स बोथ एशिया एंड साउथ एशिया एंड एशियान। तो ये पर्टिकुलर चीज मैं आपको बोल रहा था। सो अनलाइक सार्क विच इज बर्डन बाय इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटीज, बिमस्टेक के अंदर पाकिस्तान है ही नहीं, है ना, अगर वो मुन्ना भाई की टपोरी भाषा में बोले तो है ही नहीं, है ना, तो वो तो है ही नहीं। बिमस्टेक इज रिलेटिवली फ्री ऑफ शार्प बायलेटरल डिसएग्रीमेंट। तो आपको आने वाले टाइम के अंदर बिमस्टेक के ऊपर जो सवाल हैं आपके एग्जाम के अंदर आते हुए दिख जाएंगे, राइट। सार्क के ऊपर मैंने एक शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे दे दिया है, इसका जो आपका जो सेटअप है, इट वॉज सेटअप इन काठमांडू नेपाल इन 1987, और वैसे जो सार्क एस्टेब्लिश हुआ था ये आपका 1985 के अंदर। इसकी जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो बच्चे वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि सार्क और बिमस्टेक के अंदर कॉमन आइटम्स कितनी है, मतलब बेसिकली कॉमन कंट्रीज कितनी है, तो इस टाइप का सवाल भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स इस बार जो हमारे लिए रेलिवेंट चल रहे हैं टर्म्स जो आपके पेपर में आ सकता है, दैट इज़ बिमस्टेक, सार्क और आपका एशियान। हालांकि आप एशियान को डिटेल में आई थिंक स्टैटिक में पढ़ लेते हैं, सार्क को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बिमस्टेक को भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। आपका काम ये रहेगा कि आप सार्क और बिमस्टेक को भी डिटेल में आप ज़रूर पढ़िए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु IAS करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल। यू विल बी गेटिंग 3 things: number 1 वीकली क्लासेस, number 2 वीकली PDFs ऑफ करंट अफेयर्स, number 3 वीकली टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। द लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जिद से जीत तक, एंड इफ यू आर जिद्दी इनफ सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। दिस टेलर मेड करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स इज इनफ for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.